लोग लाइव देखिए अभय शर्मा। थैंक यू। हेलो लखनऊ यार, ठंडी है तो इसका क्या मतलब, आप लोग भी ठंडे हो जाओगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्म होते हैं आपको गर्म करने के लिए शुरू करते हैं बिग बॉक्सिंग। दिलीप सर, हेलो। वाह भाई, जिस आदमी की आवाज इतनी खूबसूरत है वो दिखते कितने खूबसूरत होंगे। और दुनिया में झूठ तो इतना फैलाया जा रहा है कि जिसको सारी दुनिया जानती है उसको हम समीर अंजान कहते फिर रहे। सच बताएं आपको कि जब हम पैदा हुए तो हमारे घर वालों के आंखों के सामने भी अंधेरा छा गया। सब तो सब मेरे पापा, जिन्हें पहले महाभारत में अर्जुन बहुत पसंद था, वो बोले ये धृतराष्ट्र भी कोई बुरा आदमी नहीं था। बात गांव में जैसे पहले शकुनियों का घर आना शुरू हो गया। आठ और आठ में उन्हीं करने लगे, बेटा आंख ऊपर करो, जोर से बंद करके धीरे से खोलो, धीरे से बंद करके एकदम से खोलो। हमने कहा अबे हमारी आंखें हैं या पुराना लैपटॉप। अच्छा, जिसे कुछ नहीं पता होता था वो सबसे बड़ा आई स्पेशलिस्ट आंखों में टॉर्च मार के कहता आंखें तो बिल्कुल नॉर्मल है, फिर दिखता कैसे नहीं है। हमने कहा जरा सिर छुआ ना, फोपड़ा तो तुम्हारा भी बिल्कुल नॉर्मल है, फिर सोचते कैसे नहीं हो बे। जब लोगों को यकीन हो गया कि हम ओरिजिनल एलईडी हैं तब उनकी टोन बदल गई। आके पापा से कहते चिंता न कीजिए भैया, होता है, ऋतिक की भी तो छह गुलिया है। आधा गांव तो मेरे घर सिर्फ ये बताने आता था कि हमारा ट्रेन का टिकट आधा लगेगा। अरे गुरु घंटाल, माना कि आधे किराए पर टिकट ले भी लिया तो टूरिस्ट स्पॉट पे जाके देखेंगे क्या तुम्हारा गुजरा। अच्छा, सबसे ज्यादा दिल दुखाती थी पंडित पर बैठी महिलाएं। हम निकले बोलना शुरू, हीरे जैसा लड़का, लंबा कद, बढ़िया चेहरा, बस भगवान से ही पाप हो गया। राजू सर, एक दिन एक तो मेरा हाथ पकड़ के बोली कि अब है काश तुम देख सकते तो देखते कि मैं कितनी खूबसूरत हूं। हमने हाथ खींच के कहा जा बहन, तू वाकई इतनी खूबसूरत होती तो ये राजू निगम दिलीप सिंह जैसे सावाद जैसे लोग तुझे हम तक पहुंचने देते क्या। एक जेन्युइन सवाल जो लोग मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि भाई पार्शियली ब्लाइंड हो या बिल्कुल भी, हम कहते हैं नहीं भाई, अपनी गलतियां तो देख ही लेते हैं। बड़े बड़े नेता आपके बीच में आपके क्रिकेट मैच के लिए आए, कोई राजदूत से आए छोटा लेवल का कार्यकर्ता, उसकी बाइक की आवाज उससे बड़ा लेवल का आदमी खटारा जीप से, उससे बड़ा लेवल का आदमी रिपेयर्ड स्पोर्ट्स लग्जरी कार से, उससे बड़ा लेवल का आदमी सुरक्षा के साथ पुलिस की गाड़ी से, कोई और बड़ा आदमी तो वो जहाज से। खैर सब लोग आ गए और आपने
लिए कामकारी अक्षर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने मुझे जो गेंद फेंकने के लिए दी है वो मेरे पंजे से फिसल जा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, भाई बहुत अच्छा क्रिकेट है, हमारी बिहार की टीम भी पार्टिसिपेट करती है। अच्छा, आप लोग सबको खिलाते हैं, हमको भी खिलाइएगा, लेकिन रुक जाइए जरा, पहले खैनी तो खा लेने दीजिए। लालू जी, ये बहुत अच्छा खेल है, ये मामूली बात नहीं है भाई, ये जो बच्चा लोग का क्रिकेट है, नरेंद्र मोदी बताओ क्या ये क्रिकेट को खेलेगा? भाई बहनों, ये जो बात बोलता है सोचता है कि जादवे को फोड़ो। अरे मोदी जी, यादव लोगों को जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निश्चित तौर पर जिस प्रकार का यह खेल है समझ में नहीं आता है, बैठू पर खेला जाए तो बैठू पर खेला जाए, ये बच्चे काफी जमीन पर गेंद फेंक देते हैं। उसके बाद लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी, जब वो आते हैं तो क्राउड किस तरह से मोदी मोदी चेयर करता है। एंकर हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री मोदी, क्राउड। मन पर विराजमान ख्याति लब्ध हास्य कलाकार श्री राजीव निगम जी, दिव्यांगों के शुभ चिंतक आदरणीय मिश्रा जी, तमाम बैठे अधिकारी कलाकारगण एवं विशाल संख्या पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों, मिश्रा जी के परिवार को देख करके मेरे मन में एक बात का ख्याल जगा कि अगर भगवान किसी को परिवार दे तो ऐसा परिवार दे जो कि इनके परिवार की तरह समाज के वंचित तबकों के लिए आगे आकर के लड़ाई लड़ सके। भाई बहन, ये बच्चे जो खेल खेलते हैं इनके गेंदों में छर्रा होता है। मैं आतंकवादियों को कहना चाहता हूं कि आप इनके छर्रों से सीखो और छर्रे को हथियार जान लेने का नहीं बल्कि जीवन को आगे बढ़ाने के ताकत के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। आप मुझे बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अरे आप लोग क्या कह रहे हैं, एक स्वर में तो बोलिए, क्या और आवाजें सुनना चाहते हैं क्या? अच्छा, ये बात है, तो और आवाजों में किसकी सुनना चाहते हैं? नाना पाटेकर की, अमित शाह की, हाँ एक एक अमित शाह जी की।
अमित शाह जी से आपकी अदालत में मान लीजिए रजत शर्मा पूछे, आपकी अदालत में अमित शाह पर आरोप है कि ये फील्डिंग करते हुए दिव्यांगों के शॉट नहीं रोक पाते हैं। अमित जी ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे दिव्यांग बच्चों ने कहा कि आप उनके शॉट नहीं रोक पाते हैं। देखिए रोधक जी, मैं बोलना चाहता हूं कि मैंने जिस तरह से सरकार बनाने से केंद्र में कांग्रेस को रोका हो, उसी तरह से जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं शॉट को रोकूंगा। शरद पवार जी कहते आपकी अदालत में इन पर आरोप है कि ये खुद बैटिंग नहीं कर पाते हैं। दिव्यांग बच्चों ने बॉलिंग की, आप खेल नहीं पाए, ये बहुत बड़ी बात है। सच पूछिए तो अब मुझे खेल नहीं आता है, अब जब भी खेलने के लिए बुलाया जाएगा तो मैं अजीत पवार को भेज दूंगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। बस चंद लाइनें बोल करके आपसे विदा लेना चाहूंगा कि अच्छी खुद की हर आदत समझिए, अच्छी खुद की हर आदत समझिए, खुद की नजरों में नजाकत समझिए, खुशियां तो इतनी मिलेगी कि बांटते फिरोगे मेरे दोस्त, बस अपनी कमजोरी को ताकत समझिए। और एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करें राजीव निगम सर का, जो कि हमारे मार्गदर्शक हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इतनी सारी वैरायटी थी, इतना सारा कंटेंट था, इतनी सारी फ्रेश आवाजें थी, तो आज वैसे टाइम की बहुत कमी थी, तो आज का स्लॉट जो मेरा स्लॉट था वो मैंने अपने टाइम का स्लॉट अभय को दिया, और बाकी भी मजा आया कि नहीं आया? इनको मैं पिछले साल ही लाने वाला था, नहीं ला पाया। और खास बात यह है कि सर आपको भी नहीं पता होगा, ये बनारस से इनको गुपचुप तरीके से मैंने बुलवाया है, और इसी ने बुलाया कि एक बार आप मंच पर आएंगे तो यहां पर आने के बाद में ये लोग आपको फिर अब आगे छोड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा सर, और तमाम बच्चों की तरफ मिश्रा सर का मैं भी एक बच्चा हूं, और उनके जो प्रयास है उनका नाम रोशन करने के लिए, सब कुछ करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न करूंगा, मुझे कभी इस मंच पे भुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू अभय, थैंक यू सो मच। अभय जी आपने जैसे कि बताया बनारस के, राइट, और कहा भी जाता है जहां पत्थर भी पारस है उस जगह का नाम बनारस है, तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। और आपने इतना अच्छा एंटरटेन किया, तो आपके लिए अभय जी मैं दो लाइनें बस कहना चाहूंगी। कहते हैं मजा तो तब है जब किरदार से महक आए, मजा तो तब है जब किरदार से महक आए, वरना इत्र का सहारा तो हर कोई लेता है। तो एक बार जोरदार